जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 41, टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो रिलेटेड पार्टीज। कल के लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन स्टडी किया रिलेटेड पार्टी के हवाले से, बेसिक कंसर्न्स पढ़े, रिलेटेड पार्टीज क्या होती हैं, रिलेटेड पार्टीज के साथ किस तरह की ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटेड पार्टी के हवाले से, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटेड पार्टी के हवाले से। आज अपने डिस्कशन को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। आज हम स्टडी करेंगे कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने इंश्योर करना है कि क्या मैनेजमेंट ने जितने भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन थी उनको एप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई किया है कि नहीं, अकाउंट फॉर किया है कि नहीं, डिस्क्लोज किया है कि नहीं। ठीक है, ये काम तो कर। इवन हमने ये स्टडी किया था अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स ना भी हों, यानी मैनेजमेंट के लिए लाजमी नहीं भी हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलेटेड पार्टीज को डिस्क्लोज करना है, स्टिल ऑडिटर ये प्रोसीजर परफॉर्म करता है, रिलेटेड पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करता है, उनके साथ ट्रांजैक्शन को चेक करता है। क्यों भला? रिस्क ऑफ फ्रॉड की वजह से, रिस्क ऑफ फ्रॉड की वजह से। यानी इसका मतलब ये हुआ ये वाहिद एरिया ऐसा है जिसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से डबल है मैनेजमेंट की नस्बत। मैनेजमेंट ने तो सिर्फ यही देखना है ना कि अगर फ्रेमवर्क रिक्वायर करता है हमने रिलेटेड पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दिया हो, ऑडिटर ने ये भी देखना है कि रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दी गई है कि नहीं। इसके साथ साथ एडिशनली ये भी देखना है कि कहीं कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड तो नहीं है रिलेटेड पार्टीज के साथ। ठीक है, तो इसीलिए रिलेटेड पार्टीज एक अहम एरिया होता है ऑडिटर के लिए, ना सिर्फ ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के हवाले से, बल्कि उसके साथ साथ रिस्क असेसमेंट के हवाले से भी, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में रिस्क ज़्यादा होता है। तो आज हम स्टडी करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑडिटर क्या परफॉर्म करेगा और रिलेटेड एक्टिविटीज। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और रिलेटेड एक्टिविटीज, रिलेटेड एक्टिविटीज का मतलब है कि रिस्क असेसमेंट से मिलती जुलती एक्टिविटीज जो ऑफिशियली शायद रिस्क असेसमेंट नहीं है लेकिन उनसे बाहर आए रिलेटेड पार्टीज के रिस्क आइडेंटिफाई हो जाते हैं। एग्जाम में कभी वो सिर्फ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के साथ क्वेश्चन पूछता है, कभी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज का वर्ड भी यूज कर लेता है। तो हम जब ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे पहले नंबर वाले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद हमारे सामने कुछ रिस्क आ जाएंगे, वो रिस्क 1, 2, 3, 4 तरह के हो सकते हैं। फिर हमने इसके बाद क्या करना है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद जो भी रिस्क हमारे सामने आए हों, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, फिर हमने उस रिस्क के लिहाज से उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, उस रिस्क के लिहाज से उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, उस रिस्क के लिहाज से उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, उस रिस्क के लिहाज से उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। रिस्क आइडेंटिफाई किन प्रोसीजर से होंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और ये जो रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं ये एड्रेस किन प्रोसीजर से होंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर से। ये जहन में रखिएगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर हर रिस्क के लिहाज से सेपरेट है, यानी अगर पहली तरह का रिस्क है उसके लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर कुछ और हैं, दूसरी तरह का रिस्क है उसके लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर कुछ और है। ये तो हमने वैसे पहले भी पढ़ा हुआ है, बैंकरप्सी ऑफ डेटर है इसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर कुछ और है। ठीक है, और अगर इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी पे रिकॉर्ड किए गए एनआरबी पे रिकॉर्ड उसके लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर कुछ और है, फिक्स एसेट्स के इंपेयरमेंट के सब्सटेंटिव प्रोसीजर कुछ और है। तो उसी तरह रिलेटेड पार्टी के हवाले से डिफरेंट रिस्क है, हर रिस्क के आपको पता है कि अपने स्पेसिफिक सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क होता है, वैसे तो चार तरह के रिस्क है, जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो ये होता है कि क्या मैनेजमेंट ने सारी के सारी रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया, जिसे हम कहते हैं कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टीज। तो रिलेटेड पार्टीज के हवाले से सबसे बड़ा रिस्क क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ रिलेट। तो इसी क्वेश्चन को वो एक दूसरे एंगल से भी पूछ लेता है, कभी तो एग्जाम में ये कहेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को डिस्क्राइब कीजिए,
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टीज, ये डिस्क्राइब कीजिए। और कभी कहेगा कि प्रोसीजर्स बताइए जो ऑडिटर परफॉर्म करता है टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी। तो प्रोसीजर्स टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टीज, इन दोनों का कंसेप्ट सेम है। यानी दोनों में ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करता है और ये चेक करता है क्या सारी के सारी रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई हो गई कि नहीं हो गई। तो ये जहन में रखिएगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एग्जाम में पूछ ले या ये पूछ ले प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टीज, दोनों का आंसर सेम है। हाँ, लेकिन एक जो टर्म जनरल टर्म है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टीज, इन दोनों में फर्क है। जो जनरल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की टर्म है ना, ये हम चैप्टर 3 वाली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टीज है, ये हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट है। हाँ, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टीज ये, या प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टीज, इन दोनों का एक ही मतलब है। ये बात समझे? तो समटाइम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बजाय एग्जाम में वर्ड यूज कर लेता है प्रोसीजर्स टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टीज। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? इंक्वायरी, डिस्कशन अमंग एजमेंट टीम, इंस्पेक्शन, अदर प्रोसीजर, ये। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम जो नॉर्मल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर थे, नॉर्मल इंक्वायरी उसमें भी करते थे, इंक्वायरी इसमें भी करेंगे, लेकिन इसमें देखेंगे हम जितनी भी इंक्वायरीज कर रहे हैं ना, वो रिलेटेड पार्टी के गिर्द घूमेंगी, रिलेटेड पार्टी के अलावा एक भी इंक्वायरी नहीं करेंगे। इंस्पेक्शन उधर भी करते थे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में, चैप्टर 3 में, इंस्पेक्शन इधर भी करेंगे, लेकिन उधर हमारा इंस्पेक्शन का मकसद था कि कोई भी रिस्क आ जाए सामने, यहां पे हम इंस्पेक्शन सिर्फ उन चीजों की, उन डॉक्यूमेंट्स की कर रहे होंगे जिनसे रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई हो सकती है। यानी इस एरिया में प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए हमारा फोकस सिर्फ एक होगा, क्या? रिलेटेड पार्टी। प्रोसीजर की नेचर हो सकता है वही हो जो पहले पड़ी है, लेकिन फोकस सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड पार्टीज होगा। तो सबसे पहले इंक्वायरी, इंक्वायरी करेगा ऑडिटर किससे? मैनेजमेंट से। किस लिए? रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टीज। देखिए, पहला स्टार्टिंग पॉइंट आप अक्सर एरियाज में यह देखेंगे कि ऑडिटर स्टार्ट लेता है मैनेजमेंट से। यानी अगर ऑडिटर ने कोई इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी है ना, तो वो स्टार्ट में मैनेजमेंट प्रोवाइड कर, ऑडिटर ने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करनी है तो ऑडिटर खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं प्रिपेयर करता, मैनेजमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके उसको वेरीफाई करता है। तो अगर ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टीज को वेरीफाई करना है कि कंप्लीटली डिस्क्लोज होगी कि नहीं होगी, तो उसे खुद से रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोजर बनाना चाहिए कि स्टेप नंबर 1 पे मैनेजमेंट ने जो लिस्ट बनाई है, इंफॉर्मेशन बनाई है, उसे हासिल करना चाहिए, उसे हासिल करना चाहिए। हाँ, उसे हासिल करने के बाद वो कुछ फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा इंश्योर करने के लिए कि लिस्ट कंप्लीट है, कुछ पार्टीज रह नहीं गई। लेकिन पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा ऑडिटर का? मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन हासिल करना। तो ऑडिटर सबसे पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर रहा है रिलेटेड पार्टी के हवाले से। इस इंक्वायरी में 3 चीजें पूछेगा ऑडिटर मैनेजमेंट से। पहला, आइडेंटिटी ऑफ रिलेटेड, आपकी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं, कितनी रिलेटेड पार्टीज हैं और उनके नाम बताएं। वो कहेंगे ABC लिमिटेड है, DEF लिमिटेड है और मिस्टर सलमान है, ये 3 रिलेटेड पार्टी है। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी पूछा, आइडेंटिटी का मतलब कौन कौन है रिलेटेड पार्टी। फिर रिलेशनशिप पूछा, इनके साथ रिलेशनशिप क्या है, सर एक होल्डिंग कंपनी है, एक एसोसिएटेड कंपनी है और एक डायरेक्टर है, नेचर ऑफ। और फिर ट्रांजैक्शंस पूछी जाएंगी, इनके साथ क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, सर डायरेक्टर मैनेजेरियल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, होल्डिंग कंपनी को हम सेल करते हैं और एसोसिएटेड कंपनी से हम रॉ मटेरियल बाय करते हैं। यह है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये बकायदा एक सेट फॉर्मेट बना होता है जिसके ऊपर मैनेजमेंट हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड
कर देती है, कर देती है। क्या इन्फॉर्मेशन? रिलेटेड पार्टीज की आइडेंटिटी, उसके साथ नेचर ऑफ रिलेशनशिप, उसके साथ ट्रांजैक्शन। अच्छा, अगर किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन जीरो है, उसका नाम इस लिस्ट में आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, शाबाश। मैनेजमेंट ये लिस्ट दे दे। फिर ऑडिटर ने पूछा मैनेजमेंट से या दूसरे लोगों से, जो विद इन दी कंपनी दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग हैं, कि क्या कंट्रोल्स हैं आपके, क्या कंट्रोल। आपको याद होगा चैप्टर 3 में हमने कंसेप्ट पढ़ा था, अगर ऑडिटर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यूज करता है विच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, तो ऑडिटर ने उसकी एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस को चेक करना है। ऑडिटर ने देखना है कि कंट्रोल स्ट्रांग है कि नहीं उसकी एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। याद है अदर कंसेप्ट में, चैप्टर 3 में एंड में, लास्ट कंसेप्ट में शायद यही था। तो अब अच्छा, इसकी ये क्यों कहा जाता है नॉर्मली कि ऑडिटर जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से ले वो चेक करे एक्यूरेट है, कंप्लीट है कि नहीं, चेक करे कि कंट्रोल स्ट्रांग थे कि नहीं उस इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करते हुए। ये ऑडिटर क्यों? देखिए, आपको याद होगा एनालिटिकल प्रोसीजर में भी हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया था कि जब ऑडिटर कोई डाटा अपने एनालिटिकल प्रोसीजर में परफॉर्म करने के लिए क्लाइंट से लेता है तो उसकी रिलायबिलिटी को चेक करता है, और उसकी रिलायबिलिटी में एक पॉइंट ये था, कंट्रोल्स देखेगा। क्यों बोला? इसलिए कि जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट प्रिपेयर करता है अंडर गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, और जो अगर उस इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करते हुए कंट्रोल्स वीक हो उसकी रिलायबिलिटी कम हो। एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस के ऊपर ऑडिटर दूसरा सवाल ये पूछ रहा है मैनेजमेंट से और दूसरे लोगों से। दूसरे लोगों से ये कि मैनेजमेंट ने तो कहा होगा कंट्रोल अप्लाई करने हैं, कंट्रोल अप्लाई दूसरे लोग कर रहे होंगे, मैनेजमेंट से और दूसरे लोगों से क्या पूछ रहा है? इसमें सबसे अहम लफ्ज पता क्या, ये कंट्रोल्स। यहां पे तो उसने रिलेटेड पार्टीज की इंफॉर्मेशन ले ली ना, यहां पे कंट्रोल बेसिक पर्पज क्या है कि अगर रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने बना के हमें दी है, अगर इसके ऊपर मैनेजमेंट ने अच्छे कंट्रोल लगाए थे तो हमारी इसके ऊपर रिलायंस रिलायबल बढ़ जाएगी, और अगर वीक कंट्रोल थे कम हो जाएगी। तो हमें उस और ये याद रखें, ये और भी बहुत सी जगहों पे आएगा, मतलब रूल बना ले, जब कभी हम मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, अगला सवालों से ये पूछते हैं इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैसे की, बताओ इस इंफॉर्मेशन की प्रिपरेशन पे गुड कंट्रोल थे कि नहीं थे, तो हम कंट्रोल्स पूछेंगे। क्या कंट्रोल्स? के बताइए आपने कैसे ये रिलेटेड पार्टीज और ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई की, ये रिलेटेड पार्टीज कैसे आइडेंटिफाई की बताइए। क्या आपने कोई अपने सारे एम्प्लॉयज को क्राइटेरिया बताया हुआ है कि ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है, इनमें से जिस भी बंदे के साथ ट्रांजैक्शन होना अलग से रिकॉर्ड करो। वो कहें सर हाँ ये कंट्रोल हमने लगाया हुआ है। क्या? कि डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो जिसका भी इंटरेस्ट होता है वो डिस्क्लोज कर देता है, तो उसे मैं पता चलता है रिलेटेड पार्टी। हम कहेंगे नहीं कंट्रोल वीक है, क्योंकि ये तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती हैं, ये तो सिर्फ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने का एक एस्पेक्ट है। चलो डायरेक्टर के साथ आपकी ट्रांजैक्शन, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते? कोई और काम नहीं करते, मतलब कभी और भी तो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। एम्प्लॉय CFO मैनेजमेंट में दूसरे लोग भी आते हैं डायरेक्टर्स के अलावा, उनके साथ रिलेटेड वो किधर गई? होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शन वो किधर गई? तो हम कंट्रोल्स पूछते हैं इंशा कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया। अगर मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टीज के सारी एग्जांपल्स को कवर किया, मतलब आइडेंटिफाई करने का जो सिस्टम बनाया है वो सबको कवर कर रहा है, कंट्रोल स्ट्रांग है। और दूसरा हम उनसे पूछते हैं बताइए आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कैसे करते हैं? अप्रूवल एक कंट्रोल है ना, अप्रूव कौन करता है? अब अगर जिन स्टूडेंट्स ने लॉ पढ़ा हुआ है उनको अंदाजा होगा कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट वगैरह का इंटरेस्ट होना वो डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं, और अगर किसी एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो वो भी दूसरे डायरेक्टर अप्रूव करते हैं, लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। याद है ये प्रवीण? तो इसका मतलब है रिलेटेड पार्टी की अप्रूव। अच्छा ये क्यों? हालांकि बाकी ट्रांजैक्शन के लिए ये रूल नहीं है,
बाकी क्यों? क्योंकि रिलेटेड पार्टी में रिस्क ज्यादा होता है, लॉ भी इस चीज को मानता है, इसीलिए तो उसने ये प्रोविजन रखी डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट वाली, अप्रूवल बाय शेयर होल्डर्स वाली, इसी वजह से रखी। तो हमने मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लिया, इंफॉर्मेशन ले ली स्टेप नंबर वन में, इसके कंट्रोल्स पूछ लिए, इसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कंट्रोल्स अच्छे थे कि नहीं अच्छे थे। अगर कंट्रोल्स अच्छे थे काम फिर भी करना है, अच्छे नहीं है काम फिर भी करना है, फर्क क्या है? कम के ज्यादा, अगर अच्छे नहीं है तो काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ये तो क्या इंक्वायरी से, फिर इसके बाद डिस्कशन अमंग इंगेजमेंट टीम। ये कुछ और जगहों पे भी हो सकता है आपको ये टर्म सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, डिस्कशन अमंग इंगेजमेंट टीम। होता क्या, पहले इसका कंसर्ट बता देता हूँ मैं आपको। मुझे ये बताइए, आपको ऑडिट क्लाइंट पे भेजना है, ऑडिट टीम में सारे सीनियर टीम मेंबर होते हैं कि कुछ जूनियर भी होते हैं? जूनियर भी होते हैं। कुछ फर्स्ट टाइम उस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर में भी उस क्लाइंट का ऑडिट किया है, या मे भी कुछ ऐसे रिकरिंग ऑडिट का केस में, या मे भी कुछ ऐसे हो जिन्होंने इस क्लाइंट का ऑडिट नहीं किया लेकिन उस सेक्टर का पहले ऑडिट किया हुआ, उस सेक्टर का हो सकता है पहले। जैसे फर्ज कीजिए एक बैंक का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं नए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी किसी बैंक का ऑडिट किया हुआ है। क्या जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल पार्टनर होता है या सीनियर मैनेजर, जिन्होंने या तो ऑलरेडी पास्ट में इस क्लाइंट का ऑडिट किया हुआ या उस सेक्टर के दूसरे क्लाइंट का, जिन्हें उस सिस्टम का पता है, क्या उन्हें स्टार्ट में टीम मेंबर्स को गाइड करना चाहिए कि आप इस क्लाइंट गाइड करने के लिए जा रहे हैं ना बैंक में? बैंक में नॉर्मली ज्यादा फोकस हम इंटरेस्ट पे करते हैं, हालांकि आपके दूसरे क्लाइंट पे इंटरेस्ट अदर इनकम में आ रहा होता है और इस पे आप सबसे एंड में काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले काम करना है और सबसे ज्यादा क्रिटिकल एरिया है। और फिर इसके साथ है, जब लोन दिए जाते हैं ना तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने ये भी देखना है कि वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं कि नहीं। सिर्फ ये नहीं देखना लोन दिया तो रिकॉर्ड हो गया कि नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक रेगुलेट कर रहा है, हालांकि आम बिजनेसेस को स्टेट बैंक रेगुलेट नहीं। इस तरह की कुछ और तजर्बे की बातें क्या सीनियर टीम मेंबर्स को जूनियर को बता देनी चाहिए? एग्री करते हैं? अच्छा, स्टार्ट में बतानी चाहिए कि एंड में? स्टार्ट में, फायदे स्टार्ट में। तो एक मीटिंग होती है प्रैक्टिकली, और ये प्रैक्टिकली होती है मीटिंग जिसमें क्लाइंट पे जाने से पहले, यानी फर्ज कीजिए अगर हमने मंडे से क्लाइंट पे जाना है ना ऑडिट करने के लिए क्लाइंट की प्रेमिसेस पे, तो मंडे मॉर्निंग 10 बजे पार्टनर सारी टीम को बुला लेगा ऑफिस में और एक कमरे में बैठ के आपस में सारे डिस्कशन करते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती हैं, किस तरह के क्लाइंट में मेजर रिस्क क्या है, हमने किन एरियाज के ऊपर फोकस करना है, एविडेंस हमें किस किस सोर्सेज से मिल सकते हैं, हमने अपनी एक्सटेंट क्या रखनी है काम करने की वगैरह, और भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती हैं जो कि हमारे लिए एक गाइडेंस का बायस बनती है जूनियर टीम मेंबर्स के लिए। उसी के अंदर रिलेटेड, क्योंकि ये चैप्टर रिलेटेड पार्टी का चल रहा है, ये बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन जहन में रखिएगा ये जो डिस्कशन होती है ना एंगेजमेंट टीम के दौरान में, इसमें सिर्फ रिलेटेड पार्टी नहीं डिस्कस हो रही होती, और भी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताएगा कि इस मीटिंग में जो डिस्कशन, इसमें सिर्फ रिलेटेड पार्टी की बात है। क्यों भला? ये चैप्टर ही सिर्फ रिलेटेड पार्टी का, ये चैप्टर ही सिर्फ रिलेटेड पार्टी का, आप किसी और चैप्टर में जाएं उसमें हो सकता है दोबारा हेडिंग आ जाए, तो उससे आपने ये नहीं समझना कि ये मीटिंग बार बार होती है, नहीं, मीटिंग एक बार ही होती है लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती हैं। जैसे जैसे वो चीज़ें आती जाएंगी हम स्टडी करते रहेंगे। तो बताइए, ये डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम अच्छी बात है कि नहीं? इसका सबसे बड़ा फायदा होता है जो सीनियर टीम है वो अपना एक्सपीरियंस जूनियर के साथ शेयर करते हैं। ये तो है ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। अब अनऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ आपको जल्दी से। ये मीटिंग होती ज़रूर है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें सीनियर लोग शेयर कर देते हैं हमारे साथ, बड़ी बड़ी चीज़ें अपने पास रख लेते हैं। क्यों भला? ये देखने के लिए कि रिव्यू स्टेज में ये इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने छुपाई है वो टीम मेंबर्स ने आइडेंटिफाई कर ली है कि नहीं कर ली। अगर टीम मेंबर ने आइडेंटिफाई कर ली हो इसका मतलब है उसने अच्छा काम किया है, और अगर टीम मेंबर ने आइडेंटिफाई ना की हो तो इसका मतलब उसने अच्छा काम
नहीं किया, छुपा लेते हैं। हालांकि बेहतर होता अगर हमारे साथ शेयर कर देते, लेकिन उनकी हम अप्रोच है। इसी चीज़ को सीखते हुए हम टीचर पता क्या करते हैं, जब टेस्ट बनाते हैं ना, उसमें कोई दो तीन गलतियां जानबूझ के रख लेते हैं। कभी मार्क्स का टोटल ठीक नहीं है, कभी रिक्वायरमेंट नहीं लिखी, 1 2 क्वेश्चन 2 के बाद फिर दोबारा 2 आ गया, और टीए से कहते हैं यार इसमें से देखो कि गलती रह तो नहीं गई, क्यों भला? ये अगर टीए वो गलती आइडेंटिफाई कर ले, इसका मतलब क्या है? अच्छा, उसने सही काम किया। और अगर बाज औकात ऐसा भी होता जो देख के कहते हैं सर ने बनाया तो ठीक ही बनाया होगा, और ठीक है सर कोई गलती नहीं है, पर मुझे कहते हैं आ जाओ बैठ जाओ इधर बताते हैं। पार्टनर भी इसी तरह करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं हमारे साथ स्टार्ट में, कुछ इन्फॉर्मेशन पता होती है। हमारा एक क्लाइंट है, उस पर आग लगी थी, अखबारों में पढ़ लिया होगा पार्टनर ने, खबर आई हो, हमें पता नहीं, बाद में जाके बताया। मैं कहा हाँ वो जो आग लगी थी उसका इंश्योरेंस के पैसे आए कि नहीं आए? मैं कहा सर मुझे तो आग का ही नहीं पता। क्या ठीक है फिर आप बताता हूँ। तो ये चीज़ें, बहरहाल स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ये डिस्कशन होनी चाहिए जिसमें सीनियर टीम मेंबर अपना एक्सपीरियंस जूनियर के साथ शेयर करें। इसमें रिलेटेड पार्टी के हवाले से क्या डिस्कशन होगी? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन। सीनियर बंदा बताएगा कि ये जो ग्रुप है ना, ये मियां मंशा का है, उनका इस कंपनी में भी और इंटरेस्ट, तो इन इन के साथ जो ट्रांजैक्शंस होंगी ना वो रिलेटेड पार्टी की होगी, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर जो होता है ना उसका इंटरेस्ट किसी एक कंपनी में थोड़ी है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारा सीनियर हमें ये बताएगा कि इस क्लाइंट पे रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं जो उसको पता होगा, और उनके साथ ट्रांजैक्शंस, एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन क्या क्या हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन क्या क्या हो सकते हैं। फिर आगे फोकस ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। वो कहता है स्टार्ट में अगर आपको कोई रिलेटेड पार्टी, अगर क्लाइंट ने लिस्ट दे भी दी ना, फिर भी आपने अलर्ट रहना है कि हो सकता है लिस्ट कंप्लीट ना हो। अगर स्टार्ट में कोई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई नहीं होती, फिर भी स्केप्टिसिज्म, अलर्ट रहना है, क्या कि बाद में हो सकता है आइडेंटिफाई हो जाए। पास पेपर का क्वेश्चन याद आ गया, क्वेश्चन ये था आप क्लाइंट के पास गए, सीएफओ ने कहा सर आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्या आपने रिलेटेड पार्टी के ऊपर कोई प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं करना? हमने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि हमारी कोई रिलेटेड पार्टी है ही नहीं। टीम मेंबर ने पूछा आप लिख के देने को तैयार? ये जो मैनेजमेंट लिख के देती है इसे क्या कहते हैं बोला? रिप्रेजेंट, आप रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार है? उसने कहा बिल्कुल ये लीजिए रिप्रेजेंटेशन, हमारी कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है। मैं उसने कहा, टीम मेंबर ने कहा बिल्कुल ठीक है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, फाइल किया रिप्रेजेंटेशन, बताइए ठीक किया कि नहीं? क्यों ठीक नहीं किया? स्केप्टिसिज्म को उसे अप्लाई करना चाहिए था। सीएफओ कह रहा है रिलेटेड पार्टी नहीं है, हो सकता है सीएफओ छुपा रहा हो सकता है सीएफओ को खुद पता ना हो कि रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो इवन मैनेजमेंट हमें लिस्ट दे भी दे, स्टिल हमने थ्रू आउट द ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना है, ठीक है। और पार्टनर एक तो एडवाइस करेगा, ओ भाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना है, कोई लाख कहे कि कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है, तुमने एतबार नहीं करना। तुमने, मैं आपको कुछ सिचुएशन सरकमस्टेंसेस बताता हूँ जिसमें कोई ना कोई रिलेटेड पार्टी आपको मिल ही जाएगी। अगर आपको लगे ना कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, हट के नॉर्मली कंपनी नहीं करती, उसमें रिलेटेड पार्टी नज़र आ जाएगी आपको। अगर आपको लगे ना कोई बड़ी ट्रांजैक्शन है जिसकी अप्रूवल नहीं हुई, तो समझ लो उसमें कोई रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है। ये सरकमस्टेंसेस है, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, बल्कि रियल एग्जांपल, ठीक है। नॉर्मल बैंक्स का रूल ये होता है कि उन्होंने लेवल बताए होते हैं, जैसे हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है, 5 मिलियन तक का लोन ब्रांच मैनेजर अप्रूव करेगा, 5 से 50 मिलियन तक का लोन जोनल मैनेजर होता है जो उस जोन की सारी ब्रांचेस को डील कर रहा है वो अप्रूव करेगा, 50 से 500 मिलियन का जो लोन है वो प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा। लेकिन जो 500 मिलियन का लोन फॉर एग्जांपल है ना, वो स्टार्ट नीचे से ही होगा, यानी पहले ब्रांच पे जाएगा, ब्रांच से फॉरवर्ड होगा जोनल मैनेजर, जोनल से फॉरवर्ड होगा प्रेसिडेंट को।
एक हमारे सामने 300 मिलियन का केस आया जिसमें डायरेक्ट प्रेसिडेंट की अप्रूवल थी, बाकी का नीचे सारा प्रोसेस बाईपास कर दिया गया। भाई ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। वैसे तो उसने हमें लिस्ट बताई हुई है कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगी, हमारे लिए आसानी हो जाती है एग्जाम में, लेकिन प्रैक्टिकली हमने अपना जो माइंड है उसको वाइड रखना, सिर्फ उस एग्जाम्पल तक लिमिटेड नहीं रहना, बल्कि जहन में रखना और भी ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। इसमें वाकई रिस्क था, रिलेटेड पार्टीज भी इन्वॉल्व थी, और बाद में पता चला फ्रॉड भी था, सिक्योरिटीज नहीं रखी हुई, सिक्योरिटीज के बगैर ही, क्योंकि सिक्योरिटी रखी होती नीचे कोई ना कोई बंदा उसको आइडेंटिफाई करके नोट लिख देता है लोन अप्रूवल के ऊपर, किसी की सिक्योरिटीज नहीं है। तो ये सरकमस्टांस, अब ये देखें ये सीनियर को अपने तजर्बे से पता चलती है, तो वो सरकमस्टांसिस बताएगा जूनियर टीम मेंबर को कि इन सरकमस्टांसिस में रिलेटेड पार्टीज हो सकती है, और फिर आपको कहेगा मैं आपको एक तो सरकमस्टांसिस है ना, दूसरा डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड भी हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड जिनको देख के आपको रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सरकमस्टांसिस में डॉक्यूमेंट्स में फर्क है, सरकमस्टांसिस में और डॉक्यूमेंट्स में फर्क है। आप सीएफओ के कमरे में बैठे हैं, जितने भी सप्लायर आए हैं सीएफओ उनके साथ इजी मोड में उनके साथ बातचीत करके उनको फारिग कर रहा है। एक सप्लायर ऐसा आया सीएफओ उठ के मिला उससे, उठ ये सरकमस्टांसिस है जो इंडिकेट कर रही हैं कि रिलेटेड पार्टी। डॉक्यूमेंट क्या है कि आपने 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 देखा इनकम टैक्स रिटर्न को देखा, इनकम टैक्स रिटर्न, अच्छा आपको पता है इनकम टैक्स रिटर्न हर कंपनी की अलग अलग होती है कि ग्रुप की भी टैक्सेशन हो सकती है। जिन स्टूडेंट्स ने टैक्स पढ़ा उनको पता होगा कि आप एक एक ग्रुप यानी एक कंपनी की अगर बहुत सी सब्सिडरीज हैं इसका फायदा पता क्या होता है, एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट के अगेंस्ट एड अप हो जाता है, ठीक है, ग्रुप टैक्सेशन। तो बताइए इनकम टैक्स रिटर्न आपने देखी है, डॉक्यूमेंट है, इससे आपको पता चला कि एक ऐसी कंपनी है जिसका लॉस इसके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ किया गया है, तो आप क्या कहेंगे वो कंपनी कोई अनरिलेटेड पार्टी है, आप कहेंगे तो रिलेटेड पार्टी है। बैंक कंफर्मेशन लेटर देखा उसमें डॉक्यूमेंट है ना, सरकमस्टेंसेस तो नहीं है, डॉक्यूमेंट है। बैंक कंफर्मेशन लेटर से पता चला कि बैंक ने कहा इस कंपनी ने गारंटी दी हुई है एक बंदे के लोन की, हम कह गए क्यों गारंटी दी है, ये बंदे की ये मामा लगता है, पता चलेगा वाकई मामा लगता है, रिलेटिव पार्टी है भाई, ऐसे ही है ना, किसी अरे गरे की गारंटी थोड़ी देंगे, अरे गरे की गारंटी तो नहीं देंगे। तो सरकमस्टांसिस से भी अपने इर्द गिर्द हालात का जायजा लेके भी आपको रिलेटेड पार्टी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड को भी इंस्पेक्ट करके रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये सीनियर का काम है क्या आपको बताए कौन कौन से ऐसे मशकूक हालात हैं जो कि रिलेटेड पार्टी के होने को इंडिकेट कर रहे होंगे। बहुत से डेटर्स हैं, पता चला एक डॉक्यूमेंट को देखा पता चला कि सिर्फ एक डेटर ऐसा है जिसको राइट टू रिटर्न दिया गया है, बाकियों को राइट टू रिटर्न नहीं दिया गया, ये क्या है इंडिकेट। बहुत से एग्रीमेंट किए हैं, एग्रीमेंट होने के बाद उसको चेंज नहीं किया जाता, पता चला दो केसेस ऐसे हैं जिनमें एग्रीमेंट होने के बाद उनको रीनिगोशिएट किया गया, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी सरकमस्टेंसेस से भी इंडिकेट होती है, डॉक्यूमेंट से भी इंडिकेट होती है। हमारे सीनियर को चाहिए कि हमें बताए, स्टैंडर्ड ने कहा बेफिक्र हो, बाज़ औक़ात सीनियर बताता है बाज़ औक़ात सीनियर नहीं बताता, सीनियर बताए ना बताए हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे वो सरकमस्टेंसेस भी जो और वो डॉक्यूमेंट्स भी जो रिलेटेड पार्टी को इंडिकेट करते हैं। बताइए पहले सरकमस्टेंसेस बताएंगे डॉक्यूमेंट्स बताएं, पहले सरकमस्टेंसेस बताएं, ये सुन लीजिए पता नहीं इसी चैप्टर में, हाँ पेज 230 पेज 230 इसमें हेडिंग असल में है एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, असल में हेडिंग ये है,
कि ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रिलेटेड पार्टी का लफ्ज़ तो उसमें है ही नहीं। तो मैं कैसे ये कह रहा हूँ कि इस तरह की ट्रांजैक्शन में, इस तरह की सरकमस्टेंसेस में रिलेटेड पार्टी होगी? क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वही तो रिलेटेड पार्टी के साथ, रिलेटेड पार्टी के साथ ही तो होंगी, अरे गारे के साथ थोड़ी होंगी। ठीक है, इक्विटी ट्रांजैक्शन समझते हैं। इक्विटी ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के एग्जाम्पल शेष चले हैं। बहरहाल ये सिर्फ आपको बता दिया कि यहाँ पे ये सरकमस्टेंसेज या ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं, पढ़ाएंगे बाद में, अभी पढ़ा नहीं रहा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ। क्या सर, क्या डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड भी स्टैंडर्ड ने हमें लिस्ट लिख के दी हुई है? बिल्कुल लिख के। इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन किस चीज की होती है? डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड की होती है, और किसकी होती है? डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड की। वैसे इंस्पेक्शन टेंजिबल एसेट्स की भी होती है, लेकिन उससे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई नहीं होगी। रिलेटेड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड से रिलेटेड। बाज अवकात क्वेश्चन में ना वो दाव खेलता है, आई कैप, कभी कहता है मुझे वो प्रोसीजर बताओ जिससे रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई होंगी, सारे प्रोसीजर। कभी कहता है मुझे वो डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड बताओ जिससे रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई होंगी, सारे प्रोसीजर नहीं बताने, कौन से? सिर्फ इंस्पेक्शन वाले बताने। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ आ रही है? कब? फिर से सुन लें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बताइए वो कौन से प्रोसीजर हैं, प्रोसीजर बताइए टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज, सारे प्रोसीजर। और दूसरा क्वेश्चन कहेगा बताइए डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड कौन से हैं इंस्पेक्ट करेंगे जिनसे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होगी। प्रोसीजर टू परफॉर्म टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी, सारे। डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड टू इंस्पेक्ट टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? कह रहे दो डॉक्यूमेंट्स तो लाजमी है, हिस्ट्री बताती है, इनमें से तो अक्सर रिलेटेड पार्टीज निकल आती हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी इंस्पेक्ट करनी है, किस लिए? इनमें से रिलेटेड पार्टी, ये आपकी ऑप्शन है प्रैक्टिस में, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये पॉइंट भी उतना ही अहम है जितना ये मिसलिनियस वाला, क्योंकि आई कैप ने मार्क्स ऐसे दिए होंगे 0.5 मार्क फॉर ईच डॉक्यूमेंट। अब वो चाहे आप रिक्वायर्ड वाली कैटेगरी में से उठाए, चाहे ऑप्शनल वाली कैटेगरी में से उठाए, पॉइंट तो एक ही बनेगा ना। इसलिए आपने सारे प्रैक्टिस में हमारे पास ऑप्शन है कि ये दो डॉक्यूमेंट लाजमी चेक करने हैं रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, बाकी वाले डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल है, लेकिन आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सारे याद, कौन कौन से? बैंक एंड लीगल कंफर्मेशन। बैंक से कैसे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होती है? तीन चार एग्जाम्पल दूंगा सिर्फ, बाकी लिस्ट आपने याद कर लेनी। बैंक से कैसे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होती है? किसी लोन पे गारंटी दी होगी तो गारंटी किसी रिलेटेड पार्टी की दी होगी। लीगल कंफर्मेशन, लायर को कंफर्मेशन लेटर लिखा, उससे क्या किसी का केस, किसी और का केस लड़ने के लिए पैसे दे रहे होंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कभी बैंक के पास जाए ना, बैंक वाले जब आपका अकाउंट खोलता है तो फिर कहता है सर जी आपके भाई भी तो कहीं पे काम करते होंगे, उनका भी अकाउंट हमारे पास ही करवा देना, या मंथ एंड के ऊपर, या सॉरी हाफ ईयर एंड पे नॉर्मली कहते हैं, जून एंड पे, दिसंबर एंड पे। सर जी कुछ कोई किसी को कहें हमारे पास अकाउंट, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उनसे कहें, अपने किसी रिलेटिव से कहें हमारे पास अकाउंट ओपन कर दे। कभी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि आपका अकाउंट ही नहीं होगा है, क्योंकि उसमें पैसे ही 250 होंगे। मैंने कहा अगर 250 वाले ने लाना भी 350 वाला क्लाइंट है। अच्छा 300 है, चले ठीक। नहीं नहीं मजाक कर रहा भाई, अल्लाह करे कभी लाखों करोड़ों आपके अकाउंट में आए। तो उसी तरीके से जिस तरह बैंक्स की कोशिश होती है कि हमारे पास एक कंपनी आई है तो पूरा ग्रुप आ जाए, उसी तरह लॉयर्स भी नॉर्मली एक पूरे ग्रुप को डील कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक प्रैक्टिकली कि पेरेंट कंपनी का लॉयर कोई और है और सब्सिडरी कंपनी का लॉयर कोई और है, बल्कि वो कहते हैं कि जी एक ही लॉयर अगर होगा तो वो, या एक ही ग्रुप मतलब एक ही फर्म होगी
तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से वो डील कर सकती है, वो पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा मशवरा दे सकती है, सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा मशवरा दे सकती है। तो इसीलिए लॉयर्स को जब हम लेटर लिखेंगे और पता चलेगा कि लॉयर सिर्फ इस कंपनी के नहीं, इनके साथ दूसरी कंपनी के भी केसेस डील कर रहा है, ठीक है, तो दोनों में हमें लॉयर बता देगा। और वैसे भी देखें, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन हमें कहां से मिली, लॉ में। तो कौन सी कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी है, लॉयर से बेहतर ये बात बताने के लिए और कोई बंदा पोजीशन में नहीं है। सबसे बेहतर पोजीशन में लॉयर है जो ये बात बताता है। नेक्स्ट, मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स एंड दो साबिक गवर्नर्स। शेयर होल्डर्स की मीटिंग से कैसे शेयर रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई होती हैं, उनकी मीटिंग, सबसे बड़ी बात तो ये, मीटिंग के मिनट्स में शेयर होल्डर की लिस्ट लगी होगी सारी रिलेटिव पार्टियां, खास तौर पे जो मेजर शेयर होल्डर हैं। मेजर शेयर होल्डर रिलेटिव पार्टी के डेफिनेशन में थे कि नहीं थे, तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग के मिनट्स में उनका नाम होगा कि नहीं होगा। और आपने एक और लॉ में कंसेप्ट पढ़ा होगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। तो अगर आपको पता चले मिनट्स में लिखा हुआ है कि एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, उसकी रेजोल्यूशन पास हुई है, तो आप पूछेंगे कि नहीं कौन सी एसोसिएटेड कंपनी है, और वो एसोसिएट कंपनी क्या होगी हमारी। इसी तरह डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट से रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई होती हैं क्या, कैसे? एक तो जितने डायरेक्टर्स के नाम है वो सारे के सारे ही आपकी रिलेटेड पार्टीज हैं। भाई मीटिंग के मिनट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखे होते हैं कि नहीं, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। और कैसे पता चलेगा इसके अलावा जी? हाँ, डिस्क्लोज करते हैं डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट, तो जिस ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर ने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया हो, पता चल जाए ये ही ट्रांजैक्शन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो ये चार चीजें, बैंक कंफर्मेशन, लॉयर कंफर्मेशन, शेयर होल्डर्स की मीटिंग के मिनट्स, डायरेक्टर, इनसे तो अक्सर रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई हो जाती है। अर्निंग स्टैंड कहते हैं ये तो काम लाजमी करना। हाँ, इसके अलावा बाकी कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, जो डेटर क्रेडिटर का कंफर्मेशन है वो भी, लेकिन इससे कम तादाद में रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई होती है, हो सकती हैं। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन से कैसे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो सकती है, जरा बताइए, मैं आपका टेस्ट लूं। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन से क्या मुराद है? लॉयर नहीं मुराद, लॉयर ऊपर कवर हो गया है। थर्ड पार्टी से मतलब डेटर और क्रेडिटर है, डेटर अब बैंक भी ऊपर कवर हो गया। क्या कर रहे हैं आप, ये बैंक पहले पे है, ऐसे ना करें मेरे साथ। डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, इससे रिलेटेड पार्टी कैसे आइडेंटिफाई होती है, जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन उनके साथ की गई हैं या अनयूजुअल टर्म्स के साथ की गई हैं, कि सेल कर दी, क्रेडिट पीरियड कितना, नॉर्मली 30 डेज हैं, इसको 30 साल दे दिए क्रेडिट पीरियड। समझ आ, क्यों दिए 30 साल, रिलेटेड पार्टी होगी ना। अच्छा चले आगे चले, नेक्स्ट वो कह रहा है, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ ऑफिसर, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी कंपनी लॉ में पढ़ते थे कि कंपनी ने अपने सारे ऑफिसर्स के रजिस्टर मेंटेन करना है, सारे डायरेक्टर्स का रजिस्टर मेंटेन करना है, सारे शेयर होल्डर रजिस्टर का मतलब उसमें सारी एंट्री करनी है कि कौन कौन शेयर होल्डर है, कौन कौन डायरेक्टर्स है। इससे रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई होती है, बिल्कुल होती है जी। हाँ, उसमें तो सारी रिलेटेड पार्टी होंगी, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। आगे चले, इनकम टैक्स रिटर्न की बात हो गई, ग्रुप टैक्सेशन, डॉक्यूमेंट्स फाइल टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे प्रॉस्पेक्टस है। अच्छा, आप मुझे याद है ये कंपनी लॉ में एक कोई नया कंसेप्ट आया, पिछली टर्म में कितने स्टूडेंट्स ने कंपनी लॉ पढ़ा, उसमें कोई एक नया कंसेप्ट इस तरह का आया कि एनुअल रिटर्न फाइल करनी है रजिस्ट्रार को, इस तरह का कंसेप्ट है। उस एनुअल रिटर्न में क्या होता है भला, कंपनी के ऑफिसर्स के मैनेजमेंट के नाम वगैरह होते हैं। चले इसको गोली मारे, ये प्रॉस्पेक्टस तो पता ना आपको क्या है, और ये तो पता है जब कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो मैं डायरेक्टर्स अपना नाम लिखते हैं और साइन करते हैं, साइन करते हैं। तो आपको पता चले प्रॉस्पेक्टस पढ़ा कंपनी का,
ठीक है, और पता चला उसमें एक ऐसा बंदा डायरेक्टर के तौर पे दर्ज है जो कि आपको लिस्ट दी तो उसमें मौजूद ही नहीं है, हो सकता है कि नहीं? तो प्रॉस्पेक्टस भी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए हमें? बिल्कुल देखना चाहिए, प्रॉस्पेक्टस से भी रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई हो सकते हैं। आगे चलें, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स। इंटरनल ऑडिटर ने जो मंथली रिपोर्ट बनाई होती है उनमें इंटरनल ऑडिटर की फाइंडिंग भी हो सकती है ना रिलेटेड पार्टी के हवाले से, वो रिपोर्ट भी पढ़ देते। अच्छा, ये इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट ना रिलेटेड पार्टी के हवाले से तो अहम है ही, हमारे लिए इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए बेहतरीन सोर्स होता है इंटरनल। जितने हम प्रैक्टिकली पता क्या करते हैं इंटरनल ऑडिटर। अच्छा, आपको पता है इंटरनल ऑडिटर किसको रिपोर्ट, डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है। हम इंटरनल ऑडिट वालों के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं पूरे साल की जितनी भी रिपोर्ट्स आपने डायरेक्टर्स को दिया हमें दे दें, और उसमें इंटरनल कंट्रोल्स वीकनेसेस भी होती हैं। हम कहते हैं भाई जो हम ढूंढेंगे सो तो ढूंढेंगे, ये रेडीमेड वीकनेसेस हैं ये तो हमें दो, उसमें से देख लेते हैं जो बड़ी बड़ी होती है ना वो हम अपने मैनेजमेंट लेटर में भी डाल देते हैं कि भाई हमारे भी कुछ, हाँ हमारे क्रेडिट पे भी चीज़ें आ जाएँ। तो ये इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हमारा एक अहम सोर्स ऑफ एविडेंस होता है, ये जरूर पढ़ते हैं हम। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आर रीनिगोशिएटेड बाय एंटिटी। ये भी एग्जांपल दी, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, 30 साल क्रेडिट पीरियड। रीनिगोशिएट का मतलब क्या है कि पहले एग्रीमेंट कर लिया, बाद में प्राइस कम कर दी, दोबारा रीनिगोशिएट करके। आम लोगों के साथ एक दफा चीज एग्री हो जाए तो कभी हम रीनिगोशिएट करते हैं? नहीं करते। देखिए, मैं एग्जांपल पढ़ा था स्टॉक एक्सचेंज, एक ब्रोकर था, कोई जूनियर था कोई आपकी तरह का, काम कर रहा, शेयर की प्राइस थी 70.5 डॉलर, तो ना कोड करनी थी उसने 70.5, उसने गलती से 7.05 कोड कर दी। उधर जितने भी दूसरे ब्रोकर और इन्वेस्टर थे उन्होंने फट एक मिनट के अंदर अंदर लाखों शेयर बाय कर लिए। ओ कंपनी, उसका बैठा बंदा बैठा, उन्होंने कहा एक मिनट के अंदर लाखों शेयर कैसे बाय कर लिए, पता चला रेट गलत था, फौरन उसने उसको 70.5 किया। और बाद में जितने भी पिछले जिन लोगों ने 7 पॉइंट एक्सेप्ट किया था उनको इंडिविजुअली कहा कि सर वो गलती हो गई थी। गलती नहीं होती इधर, आपने रेट ऑफर किया, हमें 12 खाया, हमने ओके कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, और उन्हें पूरा करना पड़ा। मिलियंस ऑफ डॉलर एक मिनट के अंदर अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ, किसकी वजह से, ऐसे एम्प्लॉय की वजह से जिसका स्टाइपेंड कितना है, 14,000 रुपये, 14,700 रुपये, 14,700 रुपये। तो हम क्लाइंट को कहते होते थे हमारी सैलरी पे ना जाए, हमारी पावर्स देखे। तो बहरहाल, अच्छा, और डॉक्यूमेंट्स क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट एंड दो चार भी गवर्नर्स। स्टेटमेंट ऑफ कंफ्लिक्ट कौन से हैं, ये वो इंटरेस्ट वाली बात है, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट। तो आप एग्री करते हैं क्या कि अब ये सारी डॉक्यूमेंट्स हमें देखनी चाहिए और इनसे रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई होती हैं? अब याद कर लेंगे आप, अब देखनी तो है साथ में याद भी करनी है, देख प्रैक्टिस में लीजिएगा, याद अभी कर लें। तो मुझे बताइए जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने परफॉर्म किए, ये सारे प्रोसीजर क्या थे, इनका मकसद क्या था? एक तो रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिस्क आइडेंटिफाई करना, और दूसरे अल्फाज में आई कब इस क्वेश्चन को दूसरे अल्फाज में कैसे पूछ सकता है, प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी। अब जब आप ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे सारे, इसके बाद मैक्सिमम 4 तरह के रिस्क आपके सामने आ सकते हैं। मैक्सिमम कितनी तरह के रिस्क आ सकते हैं, 4 तरह के रिस्क आ सकते हैं। पहली तरह का रिस्क क्या आ सकता है, हो सकता है आप ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर लें जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, पहला रिस्क है। दूसरा रिस्क क्या है, हो सकता है कि आप ऐसी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर लें जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, और हो सकता है ऐसी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लें जो कि एप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर या डिस्क्लोज नहीं हुई, ठीक है। और फोर्थ रिस्क है कि
रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस आ जाए, रिलेटेड पार्टी विद, चार तरह के रिस्क रिलेटेड पार्टी के हवाले से, कितनी तरह के रिस्क? पहले तो ये जहन में रखिए कि क्या ये समझ आती है आपको कि ये सारे रिस्क हैं। पहला रिस्क क्या है भला, कि ऑडिटर कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ले जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, रिस्क है कि नहीं? रिस्क है। दूसरा, ऐसी ट्रांजैक्शंस आ जाए आपके सामने जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, रिस्क है कि नहीं? तीसरा, ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाए जो एप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर डिस्क्लोज नहीं हुई, रिस्क है कि नहीं? फोर्थ, आपके सामने एक बहुत बड़ी रिलेटेड पार्टी आ जाए, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, रिलेटेड पार्टी पे डोमिनेंट, चार तरह के रिस्क है। आज सिर्फ एक रिस्क पड़े, एक रिस्क पड़े, बाकी तीन रिस्क कल पड़ेंगे। आज किस रिस्क को हम एड्रेस करने जा रहे हैं? इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज रिलेटेड पार्टी नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट, टोटल चार रिस्क है। ए कौन सा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉट एप्रोप्रिएटली काउंटेड फॉर, सही तरीके से अकाउंट फॉर डिस्क्लोज नहीं की। दूसरा रिस्क क्या है? यानी ये ट्रांजैक्शन, अच्छा ये अदर प्रोसीजर रह गया, सॉरी चले अदर प्रोसीजर भी निपटा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जहां पे इंक्वायरी पढ़ लिया, जहां पे डिस्कशन एंगेजमेंट टीम पढ़ लिया, जहां पे इंस्पेक्शन पढ़, अदर प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर क्या है? प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर देखो, जो क्लाइंट ने बनाए होंगे, नहीं वर्किंग पेपर तो ऑडिटर ने बनाए होते हैं, ऑडिटर ने अपने ही पिछले साल के वर्किंग पेपर देखो, जो क्यों जो पिछले साल की रिलेटेड पार्टीज होंगी पिछले साल के वर्किंग पेपर में होंगी, उसको लिस्ट देख के कंपेयर कर लो कि पिछले साल तो ये रिलेटेड पार्टी थी, इस साल नहीं है, क्यों? क्यों कहेंगे छोड़ के चले गए? पिछले साल रिलेटेड पार्टी नहीं थी, इस साल आ गए, क्यों? चेंज चेंज, जो भी चेंज वो पूछ रहे हैं। तो वर्किंग, पिछले साल के वर्किंग पेपर को चेक कर लेना चाहिए, इससे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होती है। कैसे होती है? पिछले साल के वर्किंग पेपर्स में पिछले साल की रिलेटेड पार्टीज होंगी, असूली तौर पे वो इस साल भी होनी चाहिए। अगर कोई कमी बेशी है, चाहे कमी है चाहे बेशी है, पूछ लेंगे। इंक्वायर, अच्छा ये तो उस सूरत में हो सकता है ना, उस सूरत में हो सकता है जब पिछले साल का ऑडिट हमने किया हो। अगर पिछले साल का ऑडिट हमने किया ही नहीं, तो फिर जिसने किया है, अच्छा और जिसने किया हो उसको क्या कहते हैं? याद है क्या कहते हैं? प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो यहां तो खुद किया तो अपने वर्किंग पेपर देख लो, खुद नहीं किया किसी और ने, प्रीडिसेसर ऑडिटर से पूछ लो। अच्छा और अदर फर्म्स जो ऑडिट में इन्वॉल्व है उनसे भी पूछ लो। अदर फर्म्स, अदर फर्म्स क्या एक ऑडिट में एक से ज्यादा फर्म्स इन्वॉल्व हो सकती हैं? हो सकती है। कंपोनेंट ऑडिटर का कंसल्ट बताया था, कंपोनेंट ऑडिटर का कंसल्ट देता, चले चलो सुन ले सुन ले। अगर हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और उस ग्रुप के अंदर किसी दूसरी सब्सिडरी का ऑडिटर कोई और है, तो हमें चाहिए कि उस दूसरे ऑडिटर को लेटर लिख के पूछ ले कि भाई आपकी कंपनी की क्या रिलेटेड पार्टीज है, क्योंकि जो उसकी रिलेटेड पार्टीज हैं मोस्ट प्रोबेबली इसकी भी रिलेटेड पार्टी होंगी, ठीक है ना भाई? एक से पूछे, ये दोनों भाई हैं, इनसे पूछे आपके भाई कितने हैं, और इनसे भी पूछे आपके भाई कितने हैं, तो बताइए ये मैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं मैच हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक सब्सिडरी है मोस्ट प्रोबेबली जो उसकी रिलेटेड पार्टीज हैं कॉमन होंगी, तो हम दूसरी कंपनी के ऑडिटर से पूछ सकते हैं। लेकिन याद रखें ये जो अदर ऑडिटर है ना, ये उसी ग्रुप के अंदर होना चाहिए, ग्रुप से बाहर का नहीं होना चाहिए,
साथ वाले हम शायद नहीं पूछ लेंगे आपके भाइयों की तादाद कितनी, और फिर कहेंगे भाई आपके भाइयों की लिस्ट में वो क्यों नहीं आ रहे, वो कहेंगे नहीं वो महाव्रतन मेरे भाई हैं असल में नहीं है। तो उसी ग्रुप के ऑडिट से पूछ लेंगे दूसरी कंपनी के ऑडिटर से, और फिर इंक्वायर अबाउट एफिलिएशन ऑफ दोस्त साबिक गवर्नर साइड अदर ऑफिसर, डायरेक्टर से पूछेंगे भैया बताइए आप पार्ट टाइम क्या करते हैं, चर्च में किस कंपनी में जाके चर्च बेचते हैं, उसने है? क्यों पूछ रहे, डिस्क्लोज करें क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जो एक कंपनी का डायरेक्टर है अगर वो दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं है तो दोनों कंपनीज क्या है, ये कंसेप्ट आईकैप केस स्टडी में टेस्ट करेगा, ये के डायरेक्टर से इंक्वायर किया जाए, क्या इंक्वायर किया जाए कि उनकी क्या एफिलिएशन है, क्या कनेक्शन है, किसके साथ, दूसरी कंपनीज के साथ, के किसी डायरेक्टर का किसी दूसरी कंपनी के साथ कनेक्शन तो नहीं है, ये पूछेंगे भाईजान आपका किसी दूसरी कंपनी के साथ कनेक्शन तो नहीं है, अगर उसने कह दिया है तो वो दूसरी कंपनी क्या मोस्ट प्रोबेबली क्या होगी, रिलेटेड पार्टी, क्योंकि लॉ में हमने पढ़ा है कि कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से एक पर्सन एक कंपनी में डायरेक्टर है वो दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है तो दोनों एसोसिएटेड कंपनी बन जाएंगे। अदर प्रोसीजर क्लियर, सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, इसके बाद ये प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर था, जब ये परफॉर्म कर चुके होंगे तो एंड पे आप किस जगह पे खड़े हैं, आपके सामने कोई एक या दो या तीन या चारों के चारों रिस्क आ जाएंगे, कौन कौन से रिस्क, पहला रिस्क ट्रांजैक्शन अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर नहीं हुई, दूसरा रिस्क ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर ली रिलेटेड पार्टी जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, तीसरा रिस्क आउटसाइड द नॉर्मल, और फोर्थ, इनमें से जो सबसे ज्यादा हैरान कुन रिस्क है जो आई कैप ने भी केस स्टडी में सबसे ज्यादा पूछा हुआ है वो है ये वाला रिस्क, इसीलिए आज इसको पढ़ते हैं बाकी वाले रिस्क कल पढ़ेंगे। भाई कितनी अजीब बात है कि मैनेजमेंट सारा साल, साल के 12 महीने, महीने के 25 दिन और हर दिन के 8 घंटे मैनेजमेंट काम करती रही है और उसको नहीं पता चल सका कि ये रिलेटेड पार्टी थे, ऑडिटर साल के बाद आया, 1.5 महीने के लिए आया और हर दिन में सिर्फ 16 घंटे काम करके उसने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली, रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली, है ना अजीब बात भाई, है कि नहीं अजीब बात, और मैनेजमेंट पूरा साल रही वो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई नहीं कर सकी, ऑडिटर ने आके 1.5 महीने के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर लिया, और ऑडिटर की टीम भी थोड़ी होती, मैनेजमेंट की टीम में तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना, मतलब 20-25-30 होंगे छोटी भी कंपनी होगी अगर, इसीलिए सबसे पहले अगर कोई रिलेटेड पार्टी हमें मिल जाए ना तो हमने कंफर्म कर लेना है डॉक्यूमेंट से वाकई रिलेटेड पार्टी है, हमें वहम तो नहीं हुआ। एक क्लाइंट में बैठा हुआ बंदा आया उनके परचेज डिपार्टमेंट से और कान में आके मैं चुपके से कहा सर एक बात बताऊं, मैं कहा सर वो मेरे साथ जो दूसरा बंदा है ना उसकी ट्रांजैक्शन चेक कर लीजिएगा वो कोई गड़बड़ कर रहा है। बाज़ अवकात परचेज डिपार्टमेंट में ऐसा फ्रॉड होता है, सप्लायर के साथ मिल के ना कोटेशन उनको डिस्क्लोज कर दिया करते हैं और वो कम कोटेशन फाइल करके ना 2-4 पे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया करता है, या बाज़ अवकात ऐसा भी होता है हाई प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर दिया जाता है और जो डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस और हाई प्राइस का वो आधा परचेज डिपार्टमेंट का जो जिसने अप्रूव किया उसकी जेब में जाता है और आधा सप्लायर के पास। तो उसने मुझे बताइए मुझे करना क्या चाहिए था, उसकी वो ट्रांजैक्शन को देखना चाहिए था, हाँ मैंने नहीं देखा, क्यों नहीं देखा भला, हालांकि देख असूल के मुताबिक देखना चाहिए था। मैं कहा भाई रिस्क बढ़ गया, अगर मैंने किसी को बताया ना तो प्रोसीजर बढ़ जाएंगे लेकिन वो प्रोसीजर बढ़े हुए भी मुझे ही परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो अभी तो रात को 9 बजे जा रहा हूँ,
इस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद रात को 11 बजे जाना शुरू कर दूंगा मैं चुप कर। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा नहीं नहीं हो सकता इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई होगी और ये बिला वजह उसके खिलाफ शिकायत लगा रहा है। बताइए क्या मैंने सही सोचा, गलत सोचा? ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, अल्लाह माफ करे। हाँ क्या क्या काम कर चुके। बहरहाल तो याद रखे, हम तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है लाजमी नहीं कि वो 100% ट्रुथ हो, लेकिन हमने इसको इग्नोर भी नहीं करना होता। हमने इग्नोर भी लाजमी नहीं कि ट्रुथ हो, लेकिन हमने इसको इग्नोर भी नहीं करना होता, उसको कंफर्म करना होता है फर्दर प्रोसीजर से। तो जब कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, तो आपको खुश होने से पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि वाकई ये रिलेटेड पार्टी है कि नहीं, जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं। जब कन्फर्म हो जाए रिलेटेड पार्टी है, भागे 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 जाए किसके पास? टीम सीनियर के पास। उसे कहे देखे सर मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? रिलेटिव पार्टी को ढूंढ लिया। कम्युनिकेट करे टीम को। अच्छा बाकी के टीम मेंबर्स को हम क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं? इसलिए कि जो ट्रांजैक्शन हमारे एरिया में है सेल्स की, हो सकता है उनके एरिया में भी कोई आ रही हो। इस रिलेटेड पार्टी की कुछ ट्रांजैक्शन हो सकता है उनके, तो उनको भी बताना चाहिए ना। यानी इन शॉर्ट, जो काम स्टार्ट में किया था, जब कोई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए जो पहले नहीं हुई थी, तो वो भी तो सारी टीम को बताना चाहिए। सारी टीम उस ट्रांजैक्शन में अलर्ट हो जाए कि भाई इस बंदे की ट्रांजैक्शन है भाई ना, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क जाता है। टीम को कम्युनिकेट करें और फिर क्लाइंट को सीएफओ को बुलाएं। सीएफओ को बुलाओ, मुर्गा बन जा। क्यों भला? हम कहेंगे भाई तुमने तो हमें कहा था ये सारी कंप्लीट लिस्ट है, तुमने तो कहा था हमारे कंट्रोल्स बेहतरीन है रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन इतनी ही पक्की थी, अगर तुम्हारे कंट्रोल्स इतने ही अच्छे थे, तो बताइए क्यों वाई आपके कंट्रोल फेल हो गए इस रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए? क्यों फेल हो गए आपके कंट्रोल्स इस रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए? इंक्वायर करेंगे क्लाइंट से। और फिर रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, क्या क्या उनसे, हाँ भाई अब ठीक है, अब बैठ जाओ सीट पे आराम से, क्योंकि अब हमें उनसे काम है। काम क्या है? रिलेटेड पार्टी हमने आइडेंटिफाई कर दी, ट्रांजैक्शंस आप आइडेंटिफाई कर दो। और ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना अच्छा भला मेहनत का काम है। रिलेटेड पार्टी चंद एक होती हैं, ट्रांजैक्शन हो सकता है सैकड़ों हो उसके साथ, एक रिलेटेड पार्टी के साथ सैकड़ों ट्रांजैक्शन। तो उन्हें एक तरह से अपना पूरे बिजनेस का सारे साल का जीएल देखना पड़ता है, टी अकाउंट्स, कि इस पार्टी के साथ कौन कौन सी सेल, कौन कौन सी परचेज। क्योंकि पहले से पता हो ना, तो नॉर्मली अकाउंटिंग सिस्टम में निशानी लगा दी जाती है स्ट्राइक मार्क करके, किस पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होगी ना उसको अलहदा से लिस्ट बनाते रहो। लेकिन जो बाद में आइडेंटिफाई होना, उसकी फिर पैसे जाके पूरे साल के बहुत मुश्किल काम है। तो मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस रिलेटेड पार्टी की, रिलेटेड पार्टी हमने आइडेंटिफाई की, ट्रांजैक्शन आप आइडेंटिफाई करें। और जब सीएफओ वापस आएगा ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद, तो उसे एज इट इज ठीक मान लें कि उसको वेरीफाई करें, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। किस लिए? वेरीफाई करने के लिए कि जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुई हैं ठीक है कि नहीं, करने चाहिए कि नहीं करने। भाई क्लाइंट के हाथ से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है चेक करते हैं कि नहीं करते। अच्छा मुझे बताइए, फिर हमें शुक्र करना चाहिए? वैसे तो हर रोज करना चाहिए, हर वक्त करना चाहिए, लेकिन खास तौर पे जब रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाएगी हमें शुक्र करना चाहिए। क्या? कि शुक्र है एक ही रिलेटेड पार्टी थी जो रह गई थी, वो भी मैंने आइडेंटिफाई कर ली। ऐसे सोचना चाहिए। फिर कैसे सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी रह गई है तो और पार्टी भी रह सकती हैं। हमारा रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी लिस्ट, रिस्क ऑफ बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। खुद बताइए, जैसे जैसे हमें मिस स्टेटमेंट ज्यादा आइडेंटिफाई होती है,
फर्दर मिसस्टेटमेंट का रिस्क कम होता जाता है कि ज्यादा होता जाता है? ज्यादा होता जाता है, ज्यादा। तो अगर रिलेटेड तो रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर आपको पता चले जानबूझकर रिलेटेड पार्टी छुपाई थी तो रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस के साथ साथ रिस्क ऑफ फ्रॉड भी इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। ये जो रिस्क होगा ना, रिस्क ऑफ ये जनरल रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस नहीं है, ये रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ लायबिलिटीज नहीं है। रिलेटेड पार्टी का टॉपिक पढ़े हैं ना, तो जो भी प्रोसीजर चूंकि यहां पे बोर्ड पे की पॉइंट्स लिखते हैं, पूरी बात नहीं लिखते, तो ये अंडरस्टूड है कि रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टीज है, ठीक है। और ये रिस्क ऑफ फ्रॉड रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टीज जो पड़ेगा। भाई कुछ समझ आया? आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने कहा कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं रिलेटेड पार्टी के हवाले से। उसमें पता चला इंक्वायरी और पता चला इंस्पेक्शन। भाई डिस्ट्रीब्यूट करते इंक्वायरी और क्या पता चला? इंस्पेक्शन और डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम और अदर प्रोसीजर। और इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसमें चार तरह के रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, हर रिस्क के सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलग है। अब एग्जाम में आपको बता दूं क्वेश्चन क्या पूछेगा। पहला सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो ये, आप अगर देखेंगे ना, मेरे ख्याल में आपकी पूरी बुक आई कैप की बुक में जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक के बार बार पूछता। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पूछेगा या इन चारों में से कोई एक या दो सिचुएशन एग्जाम में दे देगा और आपसे पूछेगा इसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताओ। आपने गलती नहीं करनी। क्या गलती नहीं करनी बोला? देखिए, एक गलती करने की इजाजत है, एक गलती करने की इजाजत नहीं है। वैसे तो कोई भी नहीं करनी चाहिए, कोई भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर करनी हो, एक गलती कर लें एक ना करें। जो कर लें गलती, वो क्या है कि ये सात आइटम्स है ना, एक या दो गलत लिख लें या भूल जाए, इसकी इजाजत है। एक या दो, इससे नंबर तो कम आएंगे लेकिन इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अब जो गलती नहीं करनी वो क्या है? पूछा उसने ये, लिखा आपने ये, सारे के सारे सातों पॉइंट लिख दे लेकिन ये लिख दे, तो इसका मत। अच्छा, कैसे पता चलेगा ये पूछा है कि ये पूछा है? रिक्वायरमेंट से। इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूं कि 6 महीने का पढ़ा पूरी किताब के 300 सफे पढ़े एक तरफ, और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के 5 सफे पढ़े एक तरफ, और उन 5 सफों में भी रिक्वायरमेंट एक तरफ। क्लियर हो गया जी? और अब इतना आपको अंदाजा हो गया होगा चैप्टर का स्टफ देख के इसमें आपको याद करना पड़ेगा। इसमें भी देखें पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं याद करने वाले, इसमें भी पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं लेकिन कम, याद करने वाली चीजें ज्यादा। अच्छा, ये अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम माइंड मैप्स, ठीक है। ये एक मैंने आपको कल कमिट किया था ना, 2 माइंड, एक था चैप्टर एक्सटर्नल कंफर्मेशन का और दूसरा सैम्पलिंग का, ये दोनों आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ये अभी मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं, 1 मिनट ठहर जाए। चलिए, ये हाइब्रिड वाले अभी ना कहीं जाए, हाइब्रिड में भी अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।